नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों जहां मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशाद उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं आइए प्रारंभ करें करंट करें। अफेयर्स रिवीजन पार्ट टू आज का जी हां आज के करंट अफेयर्स में क्या है चर्चा करेंगे इंडेक्स पे आएंगे हम लोग आगे बढ़ने से पहले जरूरी बात मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही बताइए जल्दी से मुझे आप लोग क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं आ, उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ अब पहुँच रही है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अनकेडमी का समय विशेष ऑफर चल रहा है अनकेडमी प्लस की क्लासेज जी हाँ ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल ये चल रहा है इस समय आपके लिए दोस्तों जहाँ अनएकैडमी का सेवन डेज फ्री ट्रायल अन एकेडमी प्लस क्लास देखने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होगी सात दिन तक दोस्तों आप केवल एक से तीन मई के बीच में आ, हमारे ऐप पर जाएं रजिस्टर्ड हो जाएं दोस्तों फ्री रजिस्ट्रेशन है कोड यूज़ करना होगा आशीर्वाद थ्री सिक्सटी जाइए मेरा जो क्लास प्ला वहाँ पर कैप का कोर्स रखा है मेरा या जो भी क्लास मेरे वहाँ पर है जो भी आप किसी और फैकल्टी क्लास देखना चाहते हैं वहाँ जाके नेक्स्ट सेवन डेज तक देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों तो जाइए फाइल डाउनलोड कीजिए वहाँ से निकालिए फाइल्स को वहाँ पढ़िए लेक्चर्स को सेवन डेज तक कंप्लीट फ्री है दोस्तों आपके लिए कोड यूज़ करना होगा आशीर्वाद थ्री जिससे आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराने में आसानी हो आ, पहले तीन दिन में करा लीजिए इससे सात दिन तक आप क्लास देख पाएँ आराम से दोस्तों जी हाँ इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम से भी जहाँ ऑप्शनल और जी चालू हो रहा है दोस्तों पी के बाद पाँच जून से जी हाँ बाकी कोई जानकारी अतिरिक्त जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं आपके स्क्रीन नंबर है दोस्तों इस समय आपको दिख रहा होगा एक नंबर इस पर संपर्क कर सकते हैं हमारे टीम से आप किसी प्रकार से कुछ बात करना हो पूछना हो प्लस क्लास सब्सक्राइब करना हो या जुड़ना हो मेरे साथ यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों चलिए प्रारंभ करें आपके संग जल्दी से हम लोग यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं Uh, कल हमने बात की दोस्तों फर्स्ट थर्टी uh, टॉपिक्स किसके बारे में उम्मीद कर रहा हूँ ये अपना पहला शीट कम्प्लीट हो गया है कल हम बात कर चुके हैं सबके ऊपर बात हो गई है दोस्तों हमारी कल सबकी बात हो चुकी है हमारी यहाँ पर दैट्स गुड हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे आए दोस्तों आज के सेकंड साइड पे चलते हैं फटाफट आपके संग आपको लेकर तो ये फर्स्ट स्लाइड पूरा हो गया कल हमारा uh, सेकेंड स्लाइड दोस्तों हिट डोम हो गया हमारा ओके okay, आइए सेकेंड थर्टी टॉपिक या सेकेंड लिस्ट ऑफ थर्टी टॉपिक दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रारंभ करें सब तैयार हैं प्रारंभ कर सकते हैं दोस्तों जल्दी से बताइए मुझे एक बार लाइक और शेयर कर दें दोस्तों हो सके तो सर चलिए ओके दोस्तों स्टार्ट कहां से करते हैं यहाँ से करते हैं चलिए टॉपिक देखे दोस्तों स्वीट रेवोल्यूशन मधु क्रांति या स्वीट रेवोल्यूशन दोस्तों शहद के लिए हनी के लिए सरकार ने जारी की अब जानते हैं मीठी क्रांति भी नाम दिया गया है इसको यहाँ पर तो मीठी क्रांति लॉन्च की है सरकार ने शहद की आ, आ, की डिमांड सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए एक शहद क्रांति लॉन्च हुई है दोस्तों हमारे यहाँ तो सरकार ने इसको नाम दिया मीठी क्रांति या स्वीट रेवोल्यूशन जो हमने बात की थी इकोनॉमी के अपडेट सेवन वाई लेक्चर में दोस्तों जी हाँ इसको टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं आपके इकोनॉमी की जो हमने नौ क्लास अपडेट वाली ली है दोस्तों आपकी उसमें सेवन नंबर में बड़ा डिस्कस किया था मैंने आपको साथ स्वीट रेवोल्यूशन या इकोनॉमी में मधु क्रांति या स्वीट क्रांति हनी क्रांति की बात की थी हम लोगों ने यहाँ पर सरकार ने हनी क्रांति को बढ़ावा दिया है और शहद की बिक्री को शहद के उत्पादों को सरकार बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है दोस्तों चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपके साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ, मैं टॉपिक को भी होल्ड कर रहा हूँ टॉपिक को आपके लिए होल्ड कर रहा हूँ इस टॉपिक को पर्टिकुलरली पॉलिसी में एक साथ कराऊंगा क्योंकि आपको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दोस्तों आइए अरा बात करते हैं आपके साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है इसे आप जानते हैं दोस्तों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है हमें दो तक देश में फाइव एम यानी हर साल पाँच मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन तैयार करनी है ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करनी है दोस्तों पाँच मिलियन मेट्रिक टन इसका मिशन है, mission, है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जी हाँ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक हर साल भारत में हम लोग पाँच मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर पाएं ये हमारा गोल है दोस्तों इसके अंतर्गत दो चीज़ों फोकस किया गया है एक हम देश में इलेक्ट्रोलाइजर बनाएं इलेक्ट्रोलाइजर का डेवलपमेंट करें देश के अंदर और दूसरा काम यहाँ पर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें जी, दोस्तों दो काम कहे गए हैं या तो फोकस करें हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर uh, तैयार करने पे इलेक्ट्रोलाइजर के मामले में देश को आत्मनिर्भर करना है हमको और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन पर रिसर्च करना है आरएनडी करना है उसके उत्पादन को बढ़ावा देना है तो ये दोनों काम किए जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत दोस्तों लगभग बीस हजार लगभग उन्नीस हज़ार करोड़ का मिशन है सरकार का ये अगले पाँच सात सालों का चलेगा मिशन ये उन्नीस हजार करोड़ का मिशन है टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना और ग्रीन हाइड्रोजन जानते हैं दोस्तों आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन के बता दूँ आपको ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के तौर पर ईंधन के तौर पर दोस्तों व्हीकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं स्वच्छ ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसका इससे आप मीथेन के साथ मिला सकते हैं गाड़ियों के अंदर दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन को और इसका यूज़ हो सकता है दोस्तों आपके अमोनिया बनाने में जी हाँ ग्रीन अमोनिया बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर ग्रीन अमोनिया तैयार होता है दोस्तों इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बड़े स्केल पर इसका यूज़ कर सकती हैं स्पेशली रिफाइनरी के अंदर हम बात करें पेट्रोल रिफाइनरी की बात करें या फिर स्टील सेक्टर की बात करें वहाँ इस ग्रीन हाइड्रोजन का व्यापक स्तर पर उपयोग हो सकता है तो मल्टीपल यूज़ है नाइनटीन करोड़ का मिशन है दोस्तों दो तक हर साल पाँच मिलियन मेट्रिक टन हम तैयार कर पाएँ हाइड्रोजन ये हमारा लक्ष्य है इसके लिए हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रोलाइजर दोस्तों इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है वो मशीन जो पानी को आयन करती है पानी का आयोनाइजेशन करती है हाइड्रोजन और ओएच आयन के अंदर तो यहाँ पर हमको एक इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए काफ़ी सारे दोस्तों और जब हम करंट फ्लो करें इसके बीच में हम करंट फ्लो करेंगे पानी भर के इसके अंदर तो पानी का एच और ओ एच अलग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर और हमारा ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो जाएगा इसके लिए ये बिजली कहाँ से आएगी ये बिजली आएगी दोस्तों सोलर पावर से या नॉन फॉजिल पावर से तो हम कहेंगे ये ग्रीन हाइड्रोजन ठीक है उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक तो आपको याद होगा काफ़ी इसके बारे में चर्चा आप कर चुके होंगे आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से चलिए सुप्रीम uh, कोर्ट ने दोस्तों आर्टिकल 19 का दायरा बढ़ा दिया है आर्टिकल 19 का एम्बिट को बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सुन लीजिए वन लाइन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 19 और तो 21 जो हैं ये राज्य द्वारा ही नहीं प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटिटीज़ में शामिल होती हैं यानी कोई आपके मूल अधिकार को सप्रेस नहीं कर सकता कोई इंडिविजुअल भी कोई कंपनी कोई व्यक्ति भी आपके अधिकार को सप्रेस नहीं कर सकता गवर्नमेंट के बाद छोड़ी दीजिए कोई इंडिविजुअल भी आपके आपके फंडामेंटल राइट right को, को वायलेट नहीं कर सकता जी हाँ दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया है यहाँ पर एक आदेश दिया है कि ये इन्फोर्स इवन द अगेंस्ट पर्सन अदर देन स्टेट और इंस्ट्रूमेंट वट एवर कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों की कोई कंपनी है इसके द्वारा किसी थर्ड पर्सन का फंडामेंटल uh, राइट right अगर वॉयलेट किया जा रहा है तो 19 आर्टिकल वहां भी लगेगा यानी उसके मूल अधिकारों की रक्षा की जाएगी कोई व्यक्ति किसी को बोलने से मना नहीं कर सकता आर्टिकल नाइनटीन वन ए का वायोलेशन नहीं कर सकता उसको नाइनटीन वन ए का वायलेशन कब होता है जब नाइन्टीन टू में जो बातें लिखी है दोस्तों और यहाँ पर कहा गया राज्य राज्य रोक लगाएगा राज्य करेगा राज्य ऐसा करेगा लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल भी अगर प्राइवेट व्यक्ति भी है वो भी आपको नहीं रोक सकता बोलने से यहाँ पर ठीक है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नाइनटीन का दायरा बढ़ा दिया है और अब कहना चाहिए यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज भी इसके दायरे में आ गई हैं यानी कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट संस्था या प्राइवेट व्यक्ति आप कहता है कि नहीं बोल सकते आप आपको बोलने का अधिकार नहीं है तो आप यहाँ पर कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकार की रक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर ठीक है तो याद को सुप्रीम कोर्ट ने किया है क्या आर्टिकल 19 के दायरे का विस्तार मूव करते हैं दोस्तों उम्मीद कर रहा करो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग माली पर्वत बॉक्साइड माइनिंग केस दोस्तों फेमस केस रहा माली पर्वत माली पर्वत आता है उड़ीसा में दोस्तों माली पर्वत आता है उड़ीसा में आपका तो आइए बात करते हैं क्या हुआ है तो माली पर्वत पर दोस्तों बॉक्साइड निकालने के बाद बहुत लंबे समय से चल रही है कोई नई बात नहीं है काफ़ी लंबा साल होगा बीस बाईस साल रब हुआ है इस केस को चलते हुए फाइनली यहाँ पर हेयरिंग फिर शुरू हो गया ये बात कर लेते हैं दोस्तों बैकग्राउंड को यहाँ पर आ, दो हजार सात की बात है उड़ीसा के माली पर्वत को आ, कहना चाहिए सरकार ने हिंडालको कंपनी को, को लीज़ पर दिया था ग्रांट किया था लीज़ इसको कि आप यहाँ से बॉक्साइट निकाल सकते हैं माली पर्वत से लेकिन जो वहाँ के विलेजर्स थे जो वहाँ पर स्थानीय गांव वाले हैं उनका मानना है माली पर्वत उनके लिए वाटर सोर्स है अपने आप में पानी का स्रोत है पानी आता है वहाँ से उनकी सीजनल फसलें होती हैं उनका कहना था कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा हमारी शिकायतों को नहीं सुना जा रहा लगभग माइन एक्टिविटीज़ इसके आसपास पास बयालिस गाँव में होनी है दोस्तों तो यहाँ पर कौन जनजाति के लोग रहते हैं याद रखिएगा कोंड पर प्रजा और गदबा दोस्तों ये जो ट्राइब्स हैं यहाँ मिलेंगी आपको आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कौन जनजाति फेमस जनजाति कौन था अपनी और राधावा ये तीन जनजातियाँ यहाँ प्रजातियाँ मिलेंगी दोस्तों यहाँ पर तीन एस समूह मिलेंगे आपको जो इस माली पर्वत के इलाके में रहते हैं इनका मानना था कि उनकी खेती का उनके ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स ये माली पर्वत है जिसको बॉक्साइड के लिए ना दिया जाए याद रखिए देश में बॉक्साइड कहाँ का मिलता है आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराना मैप दोस्तों ये 2013 का मैप है जहाँ आप कुछ तेलंगाना नहीं दिखाई दे रहा हो कोई बात नहीं लेकिन हमारे काम का क्या है वो सुन लीजिए दोस्तों हमारे काम का क्या है यहाँ पर तो तेलंगाना उस समय नहीं था तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन यहाँ पर हम समझ पाए तो देश में बॉक्साइड कहाँ का मिलता है मेनली दोस्तों अब ये बेल्ट आप देख रहे हैं छोटा नागपुर का बटार से लेकर ये ये बेल्ट है उड़ीसा का बेल्ट दोस्तों आपका फिर या कर्नाटक और गोवा का बेल्ट और थोड़ा सा तमिलनाडु और गुजरात का बेल्ट दोस्तों जी हाँ तो भारत में बॉक्साइड कहाँ मिलता है आंध्र प्रदेश में सिक्सटीन आफ्टर उड़ीसा फिफ्टी वन परसेंट बॉक्साइड कहाँ है देश का उड़ीसा में आंध्रा में सोलह परसेंट बॉक्साइड है दोस्तों गुजरात में नाइन परसेंट झारखंड में सिक्स परसेंट महाराष्ट्र में फाइव परसेंट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चार परसेंट आपसे कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ में कौन कौन से माइंस मिलते हैं कौन कौन से खनिज मिलते हैं उसमें पहला ऑप्शन था बॉक्साइट का अगर आपको वो याद है तो आपका क्वेश्चन आसान था उसका इसके बाद वो छत्तीसगढ़ में चार परसेंट बॉक्साइड की मास्तर मिलती है दोस्तों ये आपको इलाका है जो बॉक्साइट का नॉर्थन छत्तीसगढ़ कह सकते हैं बॉक्साइट का फेमस इलाका दोस्तों जी हाँ तो हमारे यहाँ पर उड़ीसा उत्पादन में काफ़ी आगे है देश के कुल बॉक्साइट या कुल एलमिना का कुल एल्युमिनियम की बात करें तो 40 71 वन परसेंट उत्पादन कौन करता है दोस्तों उड़ीसा करता है ठीक है ना तो यहां पर याद रखिएगा माली पर्वत बॉक्साइट माइनिंग लीज जिसको लेकर विवाद चालू हो गया था मामला कोर्ट पहुंचा था और यहां पर अब लोकल पीपल्स ने फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है क्योंकि यहां पर माली पर्वत की एनओसी को क्लियर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने दोस्तों जी हाँ तो माली पर्वत बॉक्साइड के लिए फेमस पर्यावरण मंत्रालय स्वीकृति दे चुका है ग्रीन सिग्नल दे चुका है लेकिन लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन जल जंगल का मामला है जी हाँ दोस्तों इससे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक क्लियर होगा आपके लिए ये भी टॉपिक क्लियर होगा दोस्तों मैं आगे बढ़ सकता हूं यहां से ओके okay, भारत का सबसे बड़ा लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहा बनाया गया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दोस्तों याद रखिए वन लाइन फैक्ट है छोटा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन केवल फैक्ट है वन लाइनर तिरुपति में बनाया गया देश का सबसे बड़ा लिक्विड वेस्ट जो गंदा पानी आता है सीवर का पानी आता है उसको साफ करने के लिए बनाया गया है तिरुपति दोस्तों खास बात है ये बनाया गया है फाइटोरॉइड तकनीक पर फाइटोरॉइड तकनीक पूछ सकता है बेटा एग्जाम में क्या है ये फाइट तकनीक का नाम पूछ सकता है अगर आप लोगों में से कुछ को याद हो दोस्तों लास्ट ईयर 16 मार्च 17 मार्च को जब जापान के पीएम भारत आए थे तो जापान ने भी भारत को एक टेक्नोलॉजी ऑफर की थी आप लिक्विड वेस्ट को साफ करने के लिए लिक्विड वेस्ट को साफ़ करने के लिए जापानी तकनीक हमको दी गई है दोस्तों उसका नाम हम बताएंगे चैट बॉक्स में हल फिलहाल सुन लीजिए फाइट्रॉइड तकनीक क्या होती है ये पूछ सकता है अपने इंडीजीनियस है दोस्तों ये फाइट्रॉइड तकनीक सुन लीजिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ विजुअल सब पहुँच रहा है अब तक और हम लोग कोई रिवीज़न कर रहे हैं फास्ट ट्रैक रिविजन कर रहे हैं दोस्तों थोड़ा क्लास आज लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि टेक्निकल कुछ इशूज़ आ रहे थे टेक्निकल टीम की ओर से उन्होंने इवेंट को नहीं बनाया था फाइनली बन गया और क्लास चालू हो गई हमारे यहाँ पर अभी फास्ट ट्रैक चल रहा है दोस्तों लेक्चर पार्ट टू चल रहा है आप देख रहे हैं अपनी क्लास का ये आ, बात करें दोस्तों फाइट्रॉइड तकनीक क्या होती है याद रखिए फाइट्रॉयड तकनीक पर आधारित देश का सबसे बड़ा लिक्विड वेस्ट वाटर प्लांट लगाया गया है उड़ीस माफ़ कीजिएगा आंध्रा के तिरुपति में याद रखिए सारी बातें हम लोग यहाँ पर आ, इसको तैयार किया है फाइट्रॉइड तकनीक बेस्ड प्लांट को तैयार किया है सी जो हमारी है हमारी सी है इसकी लैब है दोस्तों नीरी नाम की इसकी लैब का नाम है नीरी प्रयोगशाला एक है दोस्तों नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी नाम की प्रयोगशाला दोस्तों इन्होंने तैयार किया है ये तकनीक ठीक है बेहतर रहेगा फाइट्रॉइड काम कैसे करता है दोस्तों ये यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों ये तो सीवेज गंदा पानी यहां पर आया इसको आप इस चैम्बर में लेके गए सेटलिंग टैंक में दोस्तों सेटलिंग टैंक क्या कर रहा है जो ठोस चीज़ें हैं सीवर के अंदर जो ठोस पार्टिकल्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे सारे ऊपर गंदा पानी रह जाएगा और गंदा पानी कहाँ जाएगा दोस्तों उसके बाद ये फाइट्रॉइड बेड में फाइट्रॉइड बेड क्या है वो मिट्टी विट्टी नहीं है यहाँ पर मिट्टी नहीं है यहाँ पर आप पानी भर रहे हैं दोस्तों पानी भर रहे हैं और यहाँ ऐसे पौधे हैं जो पानी से प्रदूषण को खींच लेंगे पानी से कंटेनमेंटेड पॉलिटिन को खींच लेंगे दोस्तों तो साफ पानी थोड़ा सा साफ पानी कहाँ पहुँचेगा आपका वो पहुँचेगा दोस्तों यहाँ ट्रीटेड वाटर टैंक में फिर यहाँ से सेंट फिल्टर लगे होंगे कई प्रकार के रेत के फिल्टर इससे पानी के अंदर मोटी गंदगी हट जाए और फिर कार्बन फिल्टर भी होगा दोस्तों पानी से गंदगी खत्म करने के लिए ओजोनेशन होगा पानी का पानी में ऑक्सीजन आएगी दोस्तों कहीं ना कहीं और पहुंचेगा वो ओजोनेटेड वाटर टैंक के अंदर लास्ट में पीछे जो दिख नहीं रहा होगा आपको वो है दोस्तों ओजोनेटेड वाटर टैंक में पहुंचेगा पानी और पानी साफ हो जाएगा जी हाँ इसको ऐसे देख सकते हैं ये पौधे दोस्तों आप देख रहे हैं जो ये पौधे हैं ये यहाँ पर आपने गंदा पानी छोड़ा है तो ये पौधे क्या कर रहे हैं दोस्तों ये पौधे गंदगी को सोख रहे हैं अंदर और साफ पानी होता जा रहा है यानी पौधे गंदगी को सोख रहे हैं दोस्तों जी हाँ तो यहाँ पर सिस्टम याद रखिएगा फाइट्राइड क्या होता है एक सतत तकनीक है अपने आप में दोस्तों जो वेस्ट वाटर को साफ करती है बिल्कुल ठीक बात है इन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वेटलैंड जैसे आपको वेटलैंड काम करते हैं ना वेटलैंड क्या करते हैं गंदगी को सोख लेते हैं पानी की वैटलैंड क्या करता है किडनी का काम करता है आपके शरीर के अंदर जैसे किडनी होती है वैसी वैट लैंड करती है गंदगी को सोख लेती है और साफ पानी को फ्लो होने देती है वही काम यहाँ कर रहे हैं दोस्तों हम लोग विशेष प्रकार के पौधे लगाते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिशन कहाँ से वेस्ट वाटर से जो वेस्ट वाटर से सीधे पोषक तत्व या सुपोषित तत्व या गंदगी को सोख लेते हैं और इनको मिट्टी की आवश्यकता भी नहीं होती दोस्तों इससे क्या होता है ये जो प्लांट होते हैं ये प्रदूषक को अवशोषित करने वाले बन जाते हैं ये पॉलिटेंट सिंकर बन जाते हैं पॉलिटेंट को सिंक करने वाले बन जाते हैं जी हाँ और साफ पानी को फिर आगे भेज देते हैं हम लोग हो पाएगा टॉपिक दोस्तों फाइट्रॉयड क्लियर है हमको यहाँ पर तो फाइट्रॉयड तैयार किया गया है सी की लैब द्वारा यूज किया गया दोस्तों इस तकनीक का कहाँ पर तिरुपति के मुंसिपल कॉरपोरेशन का दोस्तों लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या मेरी बात पहुंच पाई है आप लोगों तक ओके okay, एक मंत्र हमें ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर कि क्या ज्ञान दे रहे हैं सर कि दिल्ली में आंध्रा से बड़ा प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है ओके okay. चलिए तो बन गया क्या नहीं बनाना बस तो चिंता मत करो बेटा चिंता मत करो कितना ज्ञान इकट्ठा करोगे यार जो चल रहा है वो तो पढ़ लो पहले वन लाइनर फैक्ट पे फोकस मत करो फाइट्रॉइड तकनीक पे फोकस करो आप समझो न्यूज़ कहाँ पर बनेगी आपसे वो तिरुपति का नाम कभी नहीं पूछेगा फाइट्रॉयड लास्ट क्वेश्चन आया था वेटलैंड नेचुरल किडनी होते हैं शॉर्ट ऑफ वही काम हम आर्टिफिशियल वेटलैंड से कराएंगे वो गंदगी सोखेगा पानी से दोस्तों ठीक है ना चल अरे यार तुम लोग एक बात आओ मुझे यार थोड़ा एगेट बहुत करते हो सर सक्सेस होगा नहीं होगा पीटी पढ़ रहे हो ना यार पीटी का पढ़ लें इस समय सक्सेस हुआ कि नहीं होगा सर इसका क्या होगा अरे यार सारी बात की बात है बाद में कर लेना पीटी के बाद पीटी निकाल ले भाई पहले ढंग से बैठ के यार मतलब चिंता इसकी रहती है सर वो ऐसा लिख दिया है मैं कल बता रहा हूँ यार फ्यूल वो कह रहा है सर वो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा अरे रॉकेट फ्यूल की बात हो रही है यार अंतरिक्ष में पहुंच जा पहले फिर बात करेंगे एनवायरमेंट की चिंता नहीं कि दुनिया भर की और पढ़ने का ध्यान चिंता नहीं है अपनी ना चुपचाप सुनना चाहिए यार ये इतना कीमती लेक्चर आपको मिल रहा है ना नहीं समझ आएगा खैर आप लोगों को बताना बेकार है बहुत ज्ञान वाले लोग हो आप चुकी सुन लो मेरी बात प्लीज सुन लो यार हिम्मत नहीं कर सकता वो टीचर फास्ट ट्रैक रिवीज़न कराने की पता में कोई कोई पूरी यूट्यूब पर कोई आ, हिम्मत नहीं कर पाएगा दोस्तों फास्ट ट्रैक रिजीज़न कराने की वो कराएंगे वो तो एक क्लास में आपको बता देंगे सारा आई सारा साइंस ट्रैक हो गया क्लास में उस टाइप की क्लास आएंगी आपके लिए सुन लो यार सीरियस नोट बात कर रहा हूँ मैं आपसे बस आपसे आप क्या लिखा करो चैट बॉक्स में क्या देखता रहता हूँ क्या ये देखने के लिए आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं ये लिखा करो बस और कुछ नहीं लेसन केयरफुली कहाँ गया यार हमारा टॉपिक फाइट्रॉइड तकनीक याद रखेंगे फाइट्रॉइड तकनीक क्या होती है नेचुरल वेटलैंड की तर्ज पर हम तैयार कर रहे हैं हम स्पेसिफिक प्लांट यूज़ करते हैं इसके अंदर जो पानी से सक कर लेते हैं सिंक कर लेते हैं कंटेनमेंटेड uh, न्यूट्रिशंस uh, को और पानी साफ हो जाता है यूट्रोफिकेशन में गंदा पानी जो आ चुका है वो साफ़ हो जाता है दोस्तों फाइट्रॉइड तकनीक के द्वारा ठीक है तैयार हमने खुद किया इसको दोस्तों और यहाँ पर इस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वेटलैंड जी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वेटलैंड एक यहाँ पर तो मुंसिपल अर्बन सीवेज एग्रीकल्चर का वेस्ट जो भी आ रहा है इसको हम यहाँ साफ़ करते हैं दोस्तों अच्छी बात है बिना बिजली के हो रहा है सारा काम लेस मैन पावर चाहिए आपको यहाँ पर और सेल्फ सस्टेनेबल है पेड़ लगें अपने आप सस्टेन करता रहेगा दोस्तों जी हाँ तो बहुत ही अच्छा मॉडल है अपने आप में फाइट्रॉइड वाटर तकनीक है दोस्तों आपने बताया नहीं जापान का नाम पूछा तो उसी ने बताया नहीं अब तक मुझे बाकी सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब तक मुझे मिला नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ें दोस्तों आगे बढ़ें नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक इज योर फाइट्रॉइड तकनीक फाइट्रॉइड तकनीक कंट्रीज लार्जेस्ट लिक्विड वाटर प्लांट इन तिर तिरुपति दोस्तों ठीक है राइट टू स्ट्राइक सुन लीजिए वन लाइन दोस्तों क्या देश में राइट टू स्ट्राइक है हमारे यहाँ आर्टिकल नाइनटीन वन है यूनियन बनाने का अधिकार है आपको राइट टू यूनियन है आपको संघ बनाने का अधिकार है और कोर्ट कह चुका है कि संघ को स्ट्राइक करने का अधिकार भी होता है लेकिन हमारे यहाँ पर दोस्तों संघ का कर, स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं दिया गया क्या कहा गया वो सुन लीजिए केरला हाई कोर्ट ने दोस्तों जो सरकारी कर्मचारी थे वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना चाहते थे हाई कोर्ट ने कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं केरला हाईकोर्ट ने कब ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे पब्लिक की नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होती है जनता का पैसा खराब होता है तो आप लोग अधिकार नहीं रखते संघ बनाकर स्ट्राइक करने का जी हाँ आपको जो आ, राइट दिया गया यूनियनबाजी करने का राइट टू यूनियन राइट टू आपको आप ग्रुप बनाने का अधिकार है लेकिन ग्रुप स्ट्राइक करें यह अधिकार आपको नहीं दिया गया क्योंकि ये केरला सरकार के सर्वेंट कंडक्ट रूल नाइनटीन का वायलेशन भी है तो वायलेशन भी कानून का जनता के अधिकार खत्म होते हैं जनता का पैसा जाता है आपको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं मिलेगा दोस्तों याद रखिएगा राइट टू स्ट्राइक स्ट्राइक भारत में दिया गया है दोस्तों आपको हड़ताल का अधिकार दिया गया है लेकिन ये एप्सल्यूट नहीं है निरपेक्ष नहीं है युक्तियुक्त प्रतिबंध फंडामेंटल राइट के तहत इस पर बैन लगाया जा सकता है अगर आप ऐसी कोई सेवा के ऑपरेटर हैं रेल चलाते मान लीजिए स्ट्राइक कर देंगे रेल बंद हो जाएगी तो नहीं आप इंप्लॉयमेंट हैं आप कर रहे हैं एसेंशियल सर्विस कर रहे हैं तो एसेंशियल सर्विस एक्ट के तहत आप स्ट्राइक नहीं कर सकते फिर यहां पर तो स्ट्राइक टू स्ट्राइक दिया है आपको लेकिन एब्सल्यूट नहीं है मूल अधिकारों के तहत जनता को परेशानी हो रही है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों जी हाँ तो यहाँ पर अदर फंडामेंटल राइट जैसे आपके युक्तयुक्त प्रतिबंध के तहत होते हैं उसी प्रकार से राइट टू स्ट्राइक भी जोड़ा गया है युक्तयुक्त प्रतिबंध के तहत तो केरल हाईकोर्ट ने इसी का यूज किया कि जनता को परेशानी होगी पैसा जाएगा जनता का सेवाएं बंद हो जाएंगी तो बेहतर स्ट्राइक ना करें दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके साथ यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों ऑन योर स्क्रीन स्क्रीन नेक्स्ट आपके दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इंडियन टेलीग्राफ इंस्टोमेशन सेफ्टी रूल्स 2022 बहुत छोटा सा है कुछ खास नहीं वन लाइनर दोस्तों ये वन लाइनर न्यूज है अपनी यहाँ पर इंडियन टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर रूल्स दो दोस्तों जी हाँ यहाँ पर यहाँ पर सड़क बनी है दोस्तों आपका मन आता है सीवर खुदवा दिया आपका मन आता है गड्ढा बनवा दिया आपका मन कुछ करवा दिया तो डिगिंग करते रहते हैं हमेशा सड़क की आप लोग करते रहते हैं परमिशन तो तो हाँ, तो भी है, आपको, आपके आपके ले ली है जिससे लेकिन अगर हो सकता है डैमेज हो जाए दोस्तों टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट्स टेलीफोन लाइन या टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट डैमेज होता है तो उसे लाइसेंसना जरूरी होगा दोस्तों जी हां नए नियम कहते हैं नए नियम में कहा गया है कि आपको डिगिंग करने से पहले टेलीकॉम या टेलीग्राफ पर डिपार्टमेंट से परमिशन लेना जरूरी होगी तभी आप डिगिंग कर पाएंगे तभी आप खुदाई कर पाएंगे वरना खोद देते हैं टेलीफोन लाइन टूट जाती हैं नुकसान सरकार का आम जनता का होता है जी हाँ दोस्तों तो यहाँ पर लीगल राइट है आपका डिगिंग करने का लेकिन कहीं ना कहीं आ, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी नोटिस देना पड़ेगा दोस्तों आ, जो भी आ, जो भी इसकी टेलीफोन लाइन जा रही है टेलीग्राम लाइन जा रही है वहाँ पर उससे परमिशन लेनी पड़ेगी दोस्तों जी हाँ तो ये नया प्रयास छोटा सा हेडिंग बनाएंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है माफ कीजिएगा यूएनएस आई एफ ए दोस्तों यूएनएस आई एफ एस्ट इंडिया यू एन आई एस एफ ए दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंट्रीम सिक्योरिटी फोर्स ऑफ अबई अबई कहां पर है दोस्तों सूडान साउथ सूडान इनकी सीमा पर बनाए अबईय प्रांत अभय दोस्तों लड़ते रहते हैं सूडान साउथ सूडान के लोग और यूएन ने अपनी सेनाएं लगा रखी हैं यहाँ पर यूएन का एक मिशन चलता है दोस्तों बकायदा यूएन का मिशन चलता है यूनाइटेड नेशन आईएसएफए जिसके तहत ब्लू हेलमेट आर्मी यूएन की आर्मी तैनात है दोस्तों यहाँ पर और ख़ास बात क्या हुई है भारत ने दोस्तों इस आर्मी में योगदान दिया है और एक वुमेन ओनली प्लेटून तैयार की गई है दोस्तों जी हाँ एक पूरी की पूरी टुकड़ी भेजी गई है महिलाओं महिला सैनिकों की हमारी जी हाँ तो यूनाइटेड नेशन का जो मिशन है अबई में वहाँ भारत ने अपनी सेना भेजी है पूर्णतः महिला टुकड़ी को भेजा दोस्तों हमने यहाँ पर यू आई के तहत यू एन दोस्तों मिशन चल रहा है यू का अबई प्रांत में वो शुरू किया गया था दोस्तों कहाँ पर आ, 2011 में शुरू हुआ था मिशन दोस्तों ये जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1990 पास किया था जी हाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दो में रेजोल्यूशन नंबर वन नाइन नाइन जीरो पास किया था जिसके बाद दो हज़ार इक्कीस में यहाँ पर दो हज़ार ग्यारह में सेनाएं पहुँची थी अबई कहता है दोस्तों जी हाँ याद रखिए सूडान और साउथ सूडान अलग हुए थे जुलाई 2009 में जिसके बाद अबई प्रांत को लेकर दोनों में लड़ाई चालू हो गई थी दोस्तों जी हाँ तो रेजोल्यूशन वन नाइनटी क्या है दोस्तों ये जिसके तहत 4000 हज़ार इथोपियन सैनिक हैं वहाँ पर और लगातार वो बॉर्डर इलाके में शांति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं हमारे सैनिक भी हैं हमारी महिला सैनिक भी हैं दोस्तों वहाँ पर हो पाएगा टॉपिक तैयार यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स इन तबई अबई दोस्तों याद रखिए कहाँ पर आता है ये सूडान और साउथ सूडान की सीमा पर इलाका है दोनों देश इलाके के लड़ते रहते हैं उम्मीद करूँगा टॉपिक क्लियर है आगे बढ़ूंगा दोस्तों मैं यहाँ से आपके साथ आगे बढ़ूंगा दोस्तों में जल्दी से क्लियर टॉपिक है फर्दर ओके विश्व का पहला दोस्तों पहला पाम लीफ मनोस्क्रिप्ट म्यूजियम जी हाँ दोस्तों केरल में तैयार किया गया रखिएगा केरल में ठीक है तैयार किया गया है पाम लीफ ताड़ का पत्ता जो होता है दोस्तों ताड़ का पत्ता तिल ताड़ का पत्ता जो होता है ना पत्ते पे लिखते रहते कुछ पत्ते पे स्क्रिप्ट लिखते थे आप तो कहते हैं पाम लीफ मनोस्क्रिप्ट ठीक है ना तो ताड़ के पत्ते पे दोस्तों जो लेखन होता था पांडुलिपियाँ हैं जो आपकी ताम्र ताड़ के पत्ते पर उसमें कहते हैं पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट दोस्तों केरल में ऐसी मनोलीफ्स का बहुत स्टोरेज है उनके पास इसके सका म्यूजियम बना रही है यहाँ पर बाकायदा एक त्रवण कौर किंगडम में लगभग 650 साल तक रूल किया इन्होंने इनके पास काफ़ी सारी इस प्रकार की आ, आ, पाम लीफ थी दोस्तों लगभग वन एट्टी सेवन मनुस्क्रिप्ट को यहाँ पर आ, जो जोड़ती हैं दोस्तों इसमें से एक फेमस है बैटल ऑफ कोल्चाई के बारे में सेवनटीन में हुआ था बैटल ऑफ कोलचाई दोस्तों त्रवण राजा ने जब हराया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था उन्होंने यहाँ पर तमिलनाडु में तो याद कोल्चल कोल्चर वॉर ऑफ कोल्चर भी फेमस है यहाँ पर अपने आप में इसके बारे का उल्लेख करने वाला भी एक लीफ पैम्पलेट है दोस्तों इसको सरकार क्या कर रही है एक म्यूजियम तैयार कर रही है पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पर केरल में तैयार हो रहा है दोस्तों याद कर पाएंगे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे ओके सेंसस जनगणना नहीं हो पा रही है दोस्तों तो जनगणना ना होने की वजह से दोस्तों जानते मुश्किलें पैदा हो रही है यहाँ पर आ, परिसीमन नहीं हो पा रहा है या डेटा नहीं मिल पा रहे हैं वेलफेयर स्कीमें नहीं चल पा रही हैं तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि एक जुलाई दो हज़ार तेईस से आ, डेटा कलेक्ट होना शुरू होगा और 2024-25 तक डेटा हमारे पास आ जाएगा हमारे जनगणना का दोस्तों यहाँ पर ठीक है ना तो सरकार कराने का प्रयास कर रही है क्या है यहाँ तो सब कुछ क्लियर है हमारे बीच सबको जल्दी से दोस्तों 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ पानी बॉट ला रहा हूँ नहीं बैक okay, दोस्तों हम लोग सब कुछ ठीक है हमारे बीच सर सब कुछ ठीक है थैंक यू बताने के लिए चलो जल्दी चलते आगे ओके सेंसस की बता दें दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट न्यूज दोस्तों जैसे आप जानते हैं दो अठारह में सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी महत्वाकांक्षी आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिला कार्यक्रम ए डी पी एडिशनल एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था सरकार ने अब यहाँ लॉन्च किया हमने ए बी पी जी हाँ ए बी पी न्यूज़ नहीं है ये एक्सप्रैशनल ब्लॉक प्रोग्राम जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना वैसी देश के 500 प्रखंडों की पहचान की गई है जो काफ़ी बैकवर्ड हैं दोस्तों उनकी पहचान की गई है तो गवर्नमेंट ने ए की सफलता के बाद स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की सफलता के बाद सरकार ने लॉन्च किया एबीबी कार्यक्रम दोस्तों जिसमें ऐसे ब्लॉक की प्रखंडों की पहचान की गई है जो 500 प्रखंड है दोस्तों जहां पर अभी भी हेल्थ के मानक न्यूट्रिशन के मानक एजुकेशन के मानक एग्रीकल्चर के मानक फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंक खाते स्किल डेवलपमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर रिसोर्स सब कमजोर है इन पर ध्यान देंगे ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों जी हाँ तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया दोस्तों यहाँ पर अभी लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया काम का नहीं है हमारे लिए ठीक है इसमें काम की बात दोस्तों यहाँ पर तो बजट में इस घोषणा की गई थी लास्ट ईयर बजट में इस घोषणा की गई थी लास्ट ईयर के तो इकतीस राज्यों के पांच सौ की पहचान माफ कीजिएगा पांच सौ के तहत ये आइडेंटिफाई किए जाएंगे हो पाएगा टॉपिक तैयार फॉर्मूला हमारा वही है सी दोस्तों यहाँ पर ए डी पी हो या ए बी पी हो फार्मूला सी थ्री का ही हो दोस्तों सी थ्री कन्वर्जेंस अभिसरण कोलबरेशन समन्वय कंपटीशन प्रतिस्पर्धा जी हाँ दोस्तों तो तीन चीजों फोकस होगा कि कन्वर्जेंस डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम चल रही है मनरेगा ये वो स्कीम चल रही है सबको सिंगल विंडो से आप तक पहुंचाया जाए कन्वर्जेंस सरकारी योजनाओं के लाभों का कन्वर्जेंस अभिसरण कर दो सारे लाभों का एक साथ पहुंच जाए एक बटन दबाया सब कुछ मिल गया दोस्तों जी हाँ कन्वर्जेंस कोलब्रेशन कोलबेशन बिटवीन स्टेट सेंटर लोकल बॉडी जी हाँ लोकल बॉडी स्टेट बॉडी और केंद्र मिलकर काम करें केंद्र की स्कीम राज्य की स्कीम राज्य का फंड केंद्र का फंड मिलकर काम करें सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन दोस्तों कोलब्रेशन और तीसरा है कंपटीशन बाकी राज्यों से बाकी जिलों से बाकी ब्लॉक से इंडेक्स तैयार होगा कौन सा ब्लॉक अच्छा कर रहा है कौन सा ब्लॉक खराब कर रहा है किसने अच्छा काम किया किसने अकाउंट खोले किसने सड़कें बनाई तो प्रतिस्पर्धा फेडरलिज्म सब फेडरलिज्म सुन कहते हैं प्रतिस्पर्धी उपसंगवाद किस स्तर पर हम बात कर रहे हैं तीनों स्तर के दोस्तों जी हां सी थ्री कॉन्सेप्ट थोड़ा याद करेंगे आपके साथ हो पाया टॉपिक तैयार आगे बढ़ेंगे दोस्तों आईवीओन अगला टॉपिक है आई वी ओ एफ एम छोटा टॉपिक दोस्तों आई ओ वी एफ एम वॉट एवर साइंस का टॉपिक है दोस्तों ये इसमें क्या करने वाले हम लोग एक स्पंज लाइक मटेरियल तैयार किया स्पंज लाइक हम लोगों ने और ये क्या करेगा गंदे पानी में डालिए इसको पानी में डालिए गंदे पानी में प्रदूषित प्रदेश पानी में और एक गंदगी को सोख ले गंदगी को सोख लेगा जी हाँ गंदे पानी में डालिए स्पंज को ये आई वी ओ एफ एम एक प्रकार का स्पंज तैयार किया है एक प्रकार का मटेरियल तैयार किया है डालिए गंदे पानी में इसको गंदगी सौख लेगा साफ पानी रह जाएगा जी हाँ दोस्तों तैयार किया हमारे यहाँ स्वदेशी स्तर पे इसको और तैयार किसने किया है दोस्तों इसको वो जान लीजिए काम की संस्था है वो इसको तैयार किया पुणे स्थित आई ने दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा अनुसंधान संस्था आई आई पुणे के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है किसको दोस्तों वायलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क और नॉन एज आई व्यू एफ एम शॉर्ट में याद करेंगे आई वी एफ एम दोस्तों तो स्पंज लाइक मटेरियल है स्पंज की तरह जाएगा दोस्तों और जो आ, क्लीन करेगा दोस्तों पॉल्यूटेड वाटर को क्लीन कर देगा ये बाई सोकिंग अप द कंटेनमेंट जी हाँ सक कर लेगा सोक कर लेगा ये पानी से गंदगी को और पानी को साफ कर देगा ठीक है ना याद देखिए पुणे का जो संस्थान है दोस्तों ये आएसआर पुणे यहाँ पर पी एम साहब गए थे लास्ट ईयर और यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर परम ब्रह्मा जी हाँ परम ब्रह्मा का उद्घाटन किया गया था दोस्तों परम ब्रह्मा नाम का सुपर कंप्यूटर लगाया गया यहाँ पर कहां पर आई एस आर पुणे के अंदर याद कर पाएंगे सारी बातों को दोस्तों हम लोग तो यहाँ पर आईवीएफ क्या कर रहा है ये स्पंज दोस्तों पानी में जाता है आयनाइज होता है ये और सारे आय को खा गंदी खींचता है पानी के अंदर से दोस्तों ठीक है ना चलिए वॉट हमारा काम का नहीं है आईवीएफ एम याद करेंगे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहां से यूनसेफ हो गया टेलीग्राफ हो गया ग्लोबल साउथ समिट की बात कर लेते हैं एक मिनट पामलीफ हो गया आ, सेंसस की बात हो गई एडीपी हो गया दोस्तों और आई वी एफ ओके बात में छूट गई बीच में कुछ खबरें देख लेते हैं वो काम का क्या है वो काम का नहीं है इसलिए वहां नहीं दिया है आ, ग्लोबल साउथ समिट दोस्तों ग्लोबल साउथ समिट जनवरी दो में आयोजित किया गया ये वर्चुअल समिट था ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया दुनिया के विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ को आह्वान किया भारत सरकार ने पीएम साहब ने कहा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जी हाँ हमारा जी ट्वेंटी का समिट जो है हम दक्षिण देशों की हम गरीब देशों की हम डेवलपिंग कंट्री की मांग को रखेंगे ग्लोबल साउथ समिट में दोस्तों जी हाँ तो ग्लोबल साउथ समिट क्या था दुनिया के गरीब विकासशील देशों का ग्रुप जिसको भारत ने इनवाइट किया था वर्चुअल मीटिंग हुई थी दोस्तों इनकी दिल्ली में आ, तो ग्लोबल साउथ समिट या रखेंगे इसका आयोजन किया गया वर्चुअली यहाँ पर ठीक है यहाँ तो कोई समस्या नहीं है आ, हमारे यहाँ पर इस, इस समिट के दौरान आरोग्य मैत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया दोस्तों जी हाँ आरोग्य मैत्री वैक्सीन मैत्री चला चुके हैं हम लोग आरोग्य मैत्री लॉन्च किया गया दोस्तों याद रखिएगा समिट के दौरान भारत ने घोषणा की है नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है वो आरोग्य मैत्री आरोग्य मैत्री क्या है जैसे वैक्सीन मैत्री हमने देखा था कोरोना काल में जब दुनिया के गरीब पिछड़े देशों को सरकार ने दवाइयाँ वैक्सीन पहुँचाई थी वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत ऐसे ही अब गरीब देशों में कोई आपदा आती है कोई डिजास्टर आता है कोई प्राकृतिक आपदा आती है कोई बड़ा संकट आता है तो भारत अपनी ओर से दवाइयाँ बेचेगा फ्री देगा गिफ्ट करेगा वैक्सीन आरोग्य मैत्री के तहत वैक्सीन मैत्री कोरोना संबंधित थी आरोग्य मैत्री इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर और पैंडेमिक कोई महामारी फैल जाती है या कोई वहां पर आपदा आ जाती है उस केस में भारत सहायता करेगा अंडर द स्कीम ऑफ कहना चाहिए मुझे यहाँ पर आ, जो आरोग्य मैत्री नाम की स्कीम है उसके तहत हो पाएगा टॉपिक तैयार हमारा ये इसके बाद दोस्तों जोशीमठ जैसे आपने घटनाक्रम सुना ही होगा जोग्राफिकल फिनमिना ज्यादा था जोशीमठ सिंह कर रहा है नीचे की ओर तो सबडक्शन कर रहा है सब सब्सराइज कर रहा है दोस्तों वो क्यों कर रहा है कई काम बताए गए थोड़ी बताई गई उसके पीछे कि जो वो लैंड स्लाइड हुआ था हज़ारों साल पहले तो उस पर आता था जोशी मठ वो लैंड नीचे बैठ रही है नीचे सुरंग बना दी गई है काफ़ी सारी मे बी यहाँ फ्लड आ गया दोस्तों पानी भर गया है नीचे यहाँ पर कई कारण बताए गए हैं जोशी मठ के लगातार सब्सराइज करने के लगातार नीचे की ओर जा रहा है घटनाक्रम चर्चा में था जो जोग्रफी में क्वेश्चन आ सकता है आपसे यहाँ पर जोग्राफी में लैंड के ऊपर जोग्राफी में वो बात कर सकता है आपसे यहाँ पर सब्सिडेंस क्यों होता है कारण क्या होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन ले सकता है आपसे जोशी मठ के ऊपर आइए इसके अलावा दोस्तों सत्रहवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन जनवरी में होता है हर साल इस साल भी हुआ कहा हुआ दोस्तों इंदौर के अंदर जी हां सत्रहवा भारतीय दिवस सम्मान समारोह सत्र भारतीय दिवस एनआरआई डे बोलते हैं भाषा में दोस्तों उसको हम लोग कहाँ आयोजित किया गया इस बार ये हुआ इंदौर शहर में सत्रवा भारतीय दिवस समारोह का आयोजन दोस्तों इसके अलावा आईओ वी एफ हम देख चुके हैं यहाँ पर ओके सत्रह तक आ चुके हैं दोस्तों स्पीड में हम लोग सब ठीक है हमारे बीच सब ठीक है क्या बताइए जल्दी से क्या सब कुछ ठीक है अच्छा दोस्तों आज ईयरबुक में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की शहरी मामलों के मंत्रालय की और पी में तैयारी कर रहा था इवन अब आप आपके लिए कहाँ गया पी वी डी मेरा पीविड़ी 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 पीविड़ी। तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया वीडियो आपका काफ़ी सारे स्कीम है दोस्तों उसके अंदर बात करने के लिए पी एम बात करेंगे दोस्तों आपके साथ पी अर्बन स्कीम इसके चार कंपोनेंट नए जोड़े गए हैं जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सब मिशन लाइट हाउस प्रोजेक्ट और एस बी एम टू पॉइंट जीरो अमृत टू पॉइंट जीरो बात करेंगे हम लोग सिटी फाइनेंस रैंकिंग की म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड की म्यूनसिपल रैंकिंग की काफ़ी कुछ हो रहा है दोस्तों बात करेंगे अर्बन डेस्टिनेशन के बारे में रात को ग्यारह बजे अपने एम वाई आर सेशन में आज टॉपिक है अपना अर्बन डेवलपमेंट का ठीक है चलो 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 जी यहाँ तक सब कुछ ठीक है हमारे बीच सेवनटीन टॉपिक हो एटीन टॉपिक दोस्तों आइए किलोआ की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट टॉप एक कहाँ गया, 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 गया। ये रहा ये रहा ये ठीक है ओके जैसा आप जानते हैं दोस्तों मोनोलोआ नाम सुना होगा आपने हवाई दीप हवाई दीप के अंदर ज्वालामुखी दोस्तों ये तो यहाँ पर एक और दीप है एक और ज्वालामुखी किलोआ नाम का दोस्तों ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मोनोलोआ हल्केला लोहेली और ये किलो दोस्तों तब तो से हाँ, आप अप, देखेंगे तो यहाँ मिलेंगे आपको ये ज्वालामुखी दोस्तों ये हो गया होनोलु हो गया ये रहा बगल में किलुआ हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा मैप में हवाई के पास बनाए किलुआ दोस्तों विस्फोट हुआ आपको चर्चा में इसलिए आ गया होगा दोस्तों ये तो विस्फोट हुआ यहाँ पर मोनालुआ विस्फोट हुआ था कुछ दिनों पहले और उसके बाद आप देखा हमने किलुआ में विस्फोट होता है यहाँ पर दोस्तों ठीक है तो मोनालुआ की बात करें या फिर यहाँ पर किलुआ की बात करें चर्चा में रहा दोस्तों किलुआ जो है यहाँ पर अठारह में रपशन हुआ था ज्वालामुखी के अंदर तो भी हाल ही में किआ वॉल्केनो जो है इसमें एक्टिवनेस देखी गई दोस्तों यहाँ पर ठीक है चलिए ओके वॉट तो पूछ सकता है किलोवा कहां पर दोस्तों किलोलोआ कहां पर है ये किलोलोवा कहां पर है जैसे मोनोलोवा है आपका मोनोलोवा कहां पर जो तो हवाई दीप के अंदर किलो किला भी कहां पर है हवाई दीप के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों एक्टिव वर्ल्ड है यहां पर ठीक है ना चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे आ, वन लाइन ओके नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों सहर्ष योजना सहर्ष योजना दोस्तों सुन लीजिए सहर्ष योजना टेस्ट भी तो है ओके टेस्ट भी है पढ़ो यार बाबा भूल गया था टेस्ट यार मुझे लगा टेस्ट नहीं है आज आप लोगों से ऐसा होता है क्या मतलब मैं 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 पैनिक में हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाला है अट्ठाईस मई को मेरा एग्ज़ाम है तो मैं थोड़ा सा फ्रस्टेट भी रहता हूँ पैनिक में रहता हूँ परेशान रहता हूँ थोड़ा सा कूल कूलनेस खत्म हो जाती है अपने आदमी की ऐसा होता है कि आपके साथ भी एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा करीब आते जा रहे हैं पैनिक बढ़ रहा है मतलब मुझे भी एग्ज़ाम देना शॉर्ट ऑफ आप आपका एग्ज़ाम मेरा एग्ज़ाम होता है हम जो मेहनत करते हैं साल भर बच्चों के साथ रिजल्ट उनका भी होता है हमारा भी होता है तो मैं थोड़ा पैनिक में आ जाता हूँ और इस समय कोई बच्चा हरकत करता है तो कंट्रोल नहीं हो पाता है डांट ही देता हूँ उसको अल्टीमेटली मैं है ना तो थोड़ा संभाल के रहें फिर आप लोग आप उसके शिकार ना बन जाएं मतलब ये होता है मेरे संग तो होता है यार मतलब अगर इतना एग्ज़ाम करीब आएगा थोड़ा सा पैनिक बढ़ता है थोड़ा सा डर लगता है थोड़ा पैनिक बढ़ता है थोड़ा गुस्सा बढ़ता है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है ठीक है हालांकि फ़्रस्ट्रेशन ही आना चाहिए तैयारी की आपने तो मुझे आने दीजिए कि मैं मेरी तैयारी तो आपकी तैयारी है ना तो प्लीज़ आप कंट्रोल रखें चैट पर आपको लगता है इरिटेशन हो सकता है सामने वाले को तो प्लीज़ कंट्रोल पर रखें चैट पर आपको लगता है हिंदी वाले चैनल पर क्यों क्लास नहीं बंद कर दिया हिंदी वाले चैनल की समस्या यही थी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था तो मैं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था तो बेहतर प्रेशर ना बढ़ाऊँ अपना शांत रखूँ और क्लास ना लूँ उस पर तो जान सकते हैं आप लोग फिर ठीक है तो पॉसिबल रहा करें तो चैट ना करें ऐसा कुछ बात ना करा करें जो कर सकती है फ्लो भी टूटता है तो उससे भी आता है दोस्त आपको लग रहा है इतना फास्ट ट्रैक करा रहा हूं मैं आप तो फ्लो टूटना नहीं चाहिए आपका जिम्मेदारी भी है फ्लो ना टूटे जो बच्चे आपस में बात करते हैं उनसे मतलब नहीं होता वो करने दो उनकी जिंदगी जीने दो आराम से उनको बचपना बीत जाए उनका जो मुझसे बात कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से बात करें क्या पूछ रहे हैं ना ticket it. <sighs> नेक्स्ट टॉपिक uh, दोस्तों सहर्ष योजना सुन लीजिए वन लाइन में त्रिपुरा राज्य की स्कीम है दोस्तों त्रिपुरा राज्य की स्कीम है uh, अगर मैं कहूँ यहाँ पर स्कूली बच्चों में सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को बढ़ावा देने का है त्रिपुरा में दोस्तों सोशल और इमोशनल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम दोस्तों उसका नाम है सहर्ष ठीक है लॉन्च किया गया लास्ट ईयर अगस्त में, महीने में चालू स्कूलों में लॉन्च किया गया सरकारी स्कूलों में दोस्तों और जो भी मान्यता प्राप्त चाहे सरकार से फंडेड स्कूल है दोस्तों वहाँ चलाया गया है यहाँ पर ठीक है तो अच्छी बात है यहाँ पर दोस्तों तो बच्चों में सोशल और इमोशनल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष स्कीम वन लाइन फैक्ट राज्य की स्कीम है वैसे ही नहीं आएगा लेकिन चूंकि अच्छी स्कीम लगी सुन के मुझे अच्छा लगा कि बच्चों में भी आप ये एटीट्यूड डाल रहे हैं कि वो थोड़े से मॉरल हो पाएँ थोड़े से वो नैतिक हो पाएँ दोस्तों ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम देखें यहाँ पर यूजीसी ने दोस्तों हमारे जो अनुदान आयोग है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसने ड्राफ्ट मसौदा पत्र जारी किया है विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में जी हाँ विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में जगह दी जाएगी इसके लिए यू ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर दिया है दोस्तों यहाँ पर तो विदेशी विश्वविद्यालय अपना इंस्टीट्यूशन अपना सेटअप कैंपस खोल पाएंगे यहाँ पर आइए बात करते हैं दोस्तों तो क्या होगा कौन सी यूनिवर्सिटी खोल सकती हैं दुनिया की वो यूनिवर्सिटी जिनकी टॉप 500 में आती है वर्ल्ड रैंकिंग जी हाँ ऐसी यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड रैंक में टॉप 500 में आती हैं क्या वही कैंपस खोल सकती हैं भारत के अंदर ठीक है आ, ये कैंपस अपना खुद का फ़ी और ख़ुद का आ, आ, क्राइटेरिया एडमिशन कैसे लेना है इनको ये तय कर सकेंगे तो एडमिनिस्ट्रेट क्राइटेरिया और फ़ी क्राइटेरिया तय कर सकेंगे ये लोग दोस्तों अपना ऑटोनॉमी होगी इनको अपने यहाँ पर दोस्तों अपने शिक्षक नियुक्त करने की फ़ैकल्टी अपॉइंट करने की या आ, स्टाफ को बाहर से लाना है देश से लाना है वो खुद तय कर सकेंगे जी हाँ दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर फंड्स टू होम जोडिक्शन तो कहीं ना कहीं इनपॉइंट बात है कि इनको आना पड़ेगा यहाँ पर भारतीय कानून के दायरे में तो दो नहीं है दोस्तों इसमें लेकिन काम की बात दोस्तों यहाँ पर है कि ये आ, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलाएंगे जिससे भारत की सुरक्षा भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान होता हो तो ये सामान्य बातें हैं तो याद रखिएगा फाइनली यू ने फॉरन यूनिवर्सिटी को अलाउ कर दिया एक प्रकार से आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही ऑस्ट्रेलिया के दो यूनिवर्सिटी हमारे गिफ्ट सिटी में अपना कॉलेज खोलने को तैयार भी हो गई हैं पैसा लगाने को तैयार हो गई हैं दोस्तों ठीक है ना Line, next question, next topic, चर्चा में रहा। आपको डिंग एज में काम आता है दोस्तों ऑस्फिकेशन टेस्ट आपका ठीक है ना आ, अगर बात करें तो ये बेसिकली कैलिफिकेशन होता है दोस्तों कितनी मजबूत हैं कितनी पुरानी है दिखती हैं आपको दोस्तों उसमें। तो यहाँ पर कैल्सिफिकेशन टेस्ट करते हैं और एपी टेस्ट होता है दोस्तों कुल माला के हड्डियों का टेस्ट होता है इसमें जिसके द्वारा आप जान पाते हैं कि कोई व्यक्ति की आयु कितनी हो सकती है जी आ, कैल्सिफिकेशन टेस्ट और एपी टेस्ट दोस्तों इसके ज़्यादा बता सकते हैं आप कि उसकी उसकी हड्डी की लंबाई कितनी है उसका एस्टिमेट एज कितनी होगी यह अनुमान आप लगा सकते हैं ठीक है थीके? अभी हमने देखा कहीं ना कहीं लगातार कई कही प्रकार से आ, ऐसे केस आते हैं जहाँ बच्चा कहता है मतलब दावा करते हैं कि वो चाइल्ड है और बहुत सीवियर क्राइम उसने किया होता है तो ऐसे में वहाँ पर केस बार बार आता है ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए कहता है कोर्ट कि जाइए इस बच्चे का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराइए अगर सही पाया गया तो इसको इस पर चलेगा मेन ट्रायल पाया गया कि बच्चा है अठारह साल से कम का है तो इसके लिए ट्रायल अलग प्रकार का हो सकता है दोस्तों चर्चा रहती है इसकी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पर आऊँगा दोस्तों मैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों स्टेट ऑफ इंडियन डैम्स जो भारत में बांध है उनकी स्थिति क्या है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत में दोस्तों तीन डैम तीन डैम जो भारत में है अपनी छब्बीस तक स्टोरेज कैपेसिटी खो देंगे 2050 तक क्यों क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्ट बहुत ज़्यादा सेडिमेंट आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों क्या स्टेटमेंट है मतलब जो बांध बनाए मान लीजिए बांध पानी भरा यहाँ तक ठीक है अब यूएन का कहना ये है कि देश में ऐसे लगभग कितने बांध दोस्तों लगभग थर्टी सेवन हंड्रेड डैम जो हैं इस प्रकार के ये दो हज़ार पचास तक मान लो उनके अंदर पानी भर सकता है ऊपर तक मान लो डेढ़ सौ फीट पानी भर सकता है इनके अंदर मान लेते हैं तो ये अपनी छब्बीस परसेंट वैल्यू खो देंगे यानी लगभग लगभग आप समझ सकते हैं लगभग ये चालीस फीट कम रहेंगे यानी हो सकता है अभी एक सौ पचास मान लो सौ गैलन पानी आता है इनके अंदर तो फिर सेवेंटी फोर गैलन पानी आएगा बांध के अंदर दोस्तों ट्वेंटी सिक्स परसेंट कैपेसिटी खो देंगे क्योंकि नीचे क्या हो रही है गाद या सिल्ट जमती जा रही है जी दोस्तों ये कहना है यहाँ पर रिपोर्ट का ठीक है जारी किसने किया दोस्तों इसको इस रिपोर्ट को आ, या कंडक्ट किया दोस्तों यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन द वाटर एनवायरमेंट एंड हेल्थ यानी यू एन यू संस्था का नाम है दोस्तों यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इंस्टीट्यूट ऑन वाटर एनवायरमेंट एंड हेल्थ ये नाम रहा है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर थिंक टैंक है यू का वाटर पर सलाह देने के लिए इनकी रिपोर्ट आई है कि भारत में लगभग छब्बीस बांध

काला आज़ार डिजीज़ इसकी बात कर लें और बात कर लें यंग फ्रोशंस की ठीक है दोस्तों आइए बात करते हैं काला आजार के बारे में आपके साथ ओके okay. काला आज़ार डिजीज़ दोस्तों जी हाँ काला आजार की बात करें तो भारत में 2007 के मुकाबले 2022 तक मात्र 15 सालों के अंदर 98.7 परसेंट केसेस कम हो गए हैं काला के दोस्तों जी हाँ अगर बात करें 44,000 केस आते थे 2007 में वहीं आज हम देख रहे हैं लगभग एट थर्टी फोर केस ही आ रहे हैं जी हाँ तो बहुत ही कम केस आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे केस खत्म हो गए हैं दोस्तों आ, पहले ही हम देखते हैं आ, अभी भी लेकिन छः ब्लॉक ऐसे हैं दोस्तों छः ब्लॉक ऐसे हैं यू बिहार यूपी झारखंड और वेस्ट बंगाल में जहाँ अभी भी ये एलिमिनेट हो चुका है यानी एक केस से भी कम आ रहा है वहां पर एक से भी कम केस आ रहे हैं दोस्तों तो उसे कहते हैं हम लोग वो एलिमिनेट हो चुका है उन राज्यों से उन जगहों से उन ब्लॉक से कितने ब्लॉक से देश के छह सौ बत्तीस ब्लॉक से कालाजार खत्म हो चुका है दोस्तों ठीक है याद रखिए काला आजार खत्म करने के लिए डब्ल्यू एच ओ की रणनीति कितने कब से कब तक की है दोस्तों जी हाँ रोड मैप है डब्ल्यू एच ओ का इक्कीस से तीस का जी हाँ काला आजार खत्म करने के लिए इक्कीस से तीस के बीच का रोड मैप है डब्ल्यू एच ओ का दोस्तों ठीक है चलिए मुश्किल नहीं होगा अपने आप में यहाँ पर सारी बातें याद रखिए भारत सरकार का लक्ष्य कब तक है खत्म करने का 2023 तक ठीक है भारत सरकार 2023 तक काला आजार खत्म करना चाहती है शायद मुश्किल होगा लेकिन आगे पीछे कर ही लेंगे हम लोग यहाँ पर ठीक है तो 2023 तक हमारा गोल है काला आजार समाप्त करने का ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम दोस्तों यंग प्रोफेशनल स्कीम क्या है प्रवासी भारतीय जो इंदौर में हुआ दोस्तों इसको वहां पर दोस्तों इंडिया और यूके ने इसको लॉन्च किया यंग प्रोफेशनल स्कीम को भारत और यूक्रेन लॉन्च किया दोस्तों के वाईपीएस यंग प्रोफेशनल स्कीम को लॉन्च किया ब्रिटेन और भारत ने यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या अप टू थ्री थाउजेंड ऑफ देयर डिग्री होल्डिंग सिटीजन विल बी परमिटेड टू लिव एंड वर्क इन ईच अदर कंट्री फॉर पीरियड ऑफ टू ईयर यानी कि भारत के डिग्री धारक और ब्रिटेन के डिग्री धारक एक दूसरे के देशों में रह सकेंगे काफ़ी लंबे समय तक दोस्तों तीन महीने तक आप रह सकते हैं और यहाँ पर आपको बेसिकली आ, कहना चाहिए मुझे डिग्री धारक हैं तो जॉब ढूंढिए आराम से जिस जॉब मिल पाए आपको यहाँ पर तो दो साल की अवधि के लिए दोस्तों आप रह सकते हैं माफ कीजिएगा अट्ठारह से तीस साल के जो युवा हैं वो दो साल की अवधि के लिए इन देशों में रह सकते हैं यहाँ पर आ, अपने पढ़ाई के कर सकते हैं या आपको वो चाहें तो वहाँ पर वो प्रोफेशनल के तौर पर डिग्री प्राप्त करके नौकरी कर सकते हैं दोस्तों जी हाँ तो ये साइन किया गया है भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप जी हां माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप साइन हो चुकी है भारत और ब्रिटेन के बीच यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत भारत से और ब्रिटेन से लोग एक दूसरे के देशों में आएंगे जाएंगे बेहतर जान पाएंगे भारत के बारे में ठीक है दोस्तों चलिए मौना की बात हम कर चुके हैं यहां पर आइए नेक्स्ट साइडिंग दोस्तों सेंटर वर्सेज यूनियन चर्चा में रहा क्यों तमिलनाडु के सीएम साहब ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी पीएम को चिट्ठी में उन्होंने लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा उन्होंने उन्हें लिख दिया मालूम है क्या यूनियन गवर्नमेंट जी हां पी मिस्टर नरेंद्र मोदी द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ये लिखना था कि देश में बवाल हो गया क्या पी मोदी यूनियन के हेड हैं या वो सेंटर के हेड हैं सेंटर के पीएम हैं या वो यूनियन के पीएम हैं तो सेंटर बनाम यूनियन संघ बनाम केंद्र दोस्तों आप मुझे बताइए संविधान में दोस्तों क्या व्यवस्था की गई है संविधान के आर्टिकल एक में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा यूनियन होगा ठीक बात है क्या हमने कहीं केंद्र शब्द का उल्लेख संविधान में किया है क्या भारत के संविधान में कहीं केंद्र शब्द का उल्लेख है ठीक है

जब भी हम बोले सेंट्रल गवर्नमेंट्स से का मतलब राष्ट्रपति होगा ठीक है दोस्तों तो हमारे यहाँ लेटर लिख दिया हंगामा चालू हो गया यूनियन या सेंटर को लेकर तो एक विवाद बना रहेगा दोस्तों क्या होता है यूनियन क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं संघ में यूनियन से क्या फील होता है मालूम है यूनियन से फील होता है कि यार जो बाकी है ना उनसे मिल के बना है यूनियन मतलब अलग अलग राज्यों का मिल के बना है एक बॉडी को ये है यूनियन अलग राज्यों को मिल के बनाई गई यूनियन सेंटर मतलब होता है कि ये सब कुछ है इसके आसपास बाकी चीज़ें हैं आप मोस्ट पावरफुल हैं बाकी आपके आसपास है यूनियन का मतलब होता है आप ताकतवर नहीं हैं हम हैं तो आप हैं राज्य हैं तो आप हैं ये फील होता है यूनियन से दोस्तों और सेंट्रल से फील होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये है सब इसके आसपास घूमे परिक्रमा कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट यही है दोस्तों जी हाँ तो ये एक अलग अप्रोच है अपने आप में समझने की लेकिन तमिलनाडु के सीएम ने उल्लेख कर दिया यूनियन गवर्नमेंट के स्थान पर प्रधान प्रधानमंत्री हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट लिख दिया दोस्तों जी हाँ आगे बढ़े हम लोग यहाँ से ए आर टी दोस्तों ए आर टी सरोगेसी या बोलते हैं इसको हम लोग ए आर टी दोस्तों यहाँ पर ठीक है अब सुनिएगा दोस्तों जो सरोगेसी बिल पास किया गया है 2021 में संसद द्वारा सरोगेसी एक्ट पास किया गया है उसमें हमने लिखा है कि सरोगेट जो माता पिता बनना चाहते हैं उसमें महिला की आयु 50 साल और पुरुष की आयु 55 साल से अधिक नहीं होना चाहिए यदि इनको सरोगेसी करानी किसी और महिला से तो माता पचास साल और पिता की उम्र पचपन साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए यदि सरोगेट बनना चाहते हैं तो केरल हाईकोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर कहा है भैया कि अगर कोई बुढ़ापे में या थोड़ा सा एज ज़्यादा होने पर सलोगेट करना चाहता है तो उसकी इच्छा है ये तो आप अगर फिक्सिंग अपर एज कर देते हैं तो ये दोस्तों परिवार को सीमित करने का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा आपकी आपकी इच्छा है परिवार आप कितना बड़ा करना चाहें कब करना चाहें तो ये आपकी इच्छा है आपके एक प्रकार से अधिकार का उल्लंघन होगा यदि एक फिक्सिंग डेट तय कर दी जाती है अपर एज फिक्सिंग तय कर दी जाती है तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं इसको उल्लंघन होगा यहाँ पर तो क्या किया उन्होंने याचिकाकर्ता कहना ये था जनाब कि ये जो सरोगेसी एक्ट है ए एक्ट या सरोगेसी एक्ट दोस्तों उसमें कहा गया है कि 50 और 55 साल से ऊपर का जो कपल है वो किसी प्रकार से सरोगेसी नहीं करा सकता ठीक तो है तो निश्चित तौर पे इसका मानना उल्लंघन है कानूनों को दोस्तों कि हम लोग हो पाएंगे आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों यहाँ से इंडिया फुटबॉल विजन टू दोस्तों जी हाँ हमने एक विजन देखा है एक सपना देखा है फुटबॉल को आगे ले जाने का इसका उद्देश्य दोस्तों क्या हम जो बनना चाहते हैं पावर हाउस ऑफ एशियन फुटबॉल जी हम चाहते हैं एशिया में ताकतवर बनकर उभरे हम लोग आप फुटबॉल के मामले में याद रखिए एशिया में सऊदी अरब भी आता है जिसने अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराया था जापान और साउथ कोरिया भी आते हैं जो भी हाल में एट लास्ट एट और लास्ट सिक्सटीन तक पोजिशन में सफल रहे थे इसी में आपका तुर्की भी आता है दोस्तों और कई और देश भी आते हैं आपके आ, जो जॉइंट्स हैं एशियन जॉइंट्स हैं दोस्तों फुटबॉल के मैदान में हम चाहते हैं पावर हाउस बने एशिया फुटबॉल का दोस्तों अच्छी बात है यहाँ पर विजन लेकर आए हैं जिसमें हमने क्या किया है 2023 से मान लीजिए शॉर्ट ऑफ यहाँ पर सैंतालीस तक 24 साल होते हैं तो चौबीस साल को छह प्लान में तोड़ा है छह प्लान चार चार साल के दोस्तों जी हां तो सिक्स फोर ईयर स्ट्रेटेजी होंगी चार साल चार साल चार साल चार साल इस पर ध्यान देंगे दोस्तों हम लोग यहां पर और अल्टीमेट गोल होगा खिलाड़ी तैयार कर पाए आने वाले सालों में और फुटबॉल हर गांव तक हर बच्चे तक संस्थाओं तक पहुंच सके दोस्तों फुटबॉल प्लिसी बहुत क्लियर है हमें क्या करना है यहां पर टेक्निकल करिकुलम तैयार करना है पाठ्यक्रम में शामिल हो फुटबॉल का पाठ्यक्रम दोस्तों हमें फोकस करना है कोच और खिलाड़ियों के विकास के ऊपर हमें यहाँ पर फोकस करना है दोस्तों कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फुटबॉल कैसे आगे बढ़ सकता है कोच एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे इसमें हम कोच एजुकेशन प्रोग्राम कोच को प्रशिक्षण देने हो हो का कार्यक्रम लॉन्च होगा किसमें दोस्तों फुटबॉल विजन में हमारा ठीक है चलिए तो मुश्किल नहीं होगा यहाँ पर ये हो जाएगा काम सारा चलिए दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग आ गए फटाफट सब लोग बताइए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है हमारे बीच तो सेंट्रल यूनियन ए फुटबॉल विजन दोस्तों ब्लैक बक की आबादी बढ़ गई है दोस्तों उड़ीसा के अंदर राजस्थान के अंदर काला हिरण जो होता है उसकी आबादी बढ़ गई को बताएगा मुझे काला हिरण आई की लिस्ट में कौन से स्थान पर आता है एनी बताएगा मुझे काले हिरण के, के बारे में ब्लैक बक के बारे में दोस्तों जिसके बारे में सलमान खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने काले हिरण की हत्या की है बाद में छूट गया पता लगा काले हिरण ने सुसाइड किया था शायद जो भी किया था उसने क्योंकि हथियार तो मिला नहीं काले हिरण का लेकिन ऐसा लगता है कुछ ना कुछ हुआ होगा काले हिरण के बारे में लेकिन दोस्तों काला हिरण जो हमारे बिश्नोई समुदाय का पवित्र माना जाता है काफ़ी संख्या बढ़ गई है जो कि अच्छी बात है देश के लिए दोस्तों हमारे यहाँ पर तो बताइए काला हिरण कौन सा कैटेगरी में आता है यू की किस कैटेगरी में आता है दोस्तों बताइए मुझे आप लोग क्या सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं काला हिरण जो कि हमारे कई राज्यों में पवित्र है चाहे तो पंजाब की बात करें राजस्थान की बात करें आंध्रा की बात करें कई राज्यों में ब्लैक बग की दोस्तों राज्य पशु भी हमारे यहाँ पर मित्र कह रहे हैं मोहित हमारे कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है किसने कह दिया क्रिटिकल इंडेंजर्ड दोस्तों यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे हर चीज़ जो संकट में वो क्रिटिकल नहीं होती दोस्तों ठीक है ना हर चीज़ जो संकट में क्रिटिकल नहीं होती है और हर टॉपिक आपका को लगता है फालतू है काम का होता है याद रखिए दोस्तों ब्लैक बक की बात कर रहे हैं डबल हो गई आबादी जो कि अच्छी बात है दोस्तों ब्लैक बक के बारे में कृष्ण मृग या हिरण भी कहते हैं उड़ीसा में अब डबल हो गई दोस्तों बाकी शहरों में डबल हुई इनकी आबादी कहीं ना कहीं भारतीय मृग इंडियन एंडरू भी कहते हैं इसको दोस्तों कृष्ण मृग को यहाँ पर राजस्थान में गुजरात में एम में तमिलनाडु उड़ीसा भारत में मिलता है दोस्तों ये ठीक है आ, अगर बात की जाए यहाँ पर दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश का हरियाणा का पंजाब का क्या है राज्य पशु स्टेट एनिमल है दोस्तों हरियाणा पंजाब और आंध्र प्रदेश का ठीक है याद रखिएगा लीस्ट कंसर्न है दोस्तों ये सबसे कम चिंतनीय है आई सी स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है दोस्तों ठीक है चलिए लीस्ट कंसर्न में आता है दोस्तों तो ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है इसके बारे में हमको यहाँ पर लेकिन फिर भी इसके इलाके खत्म हो रहे हैं यहाँ पर चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग देखिए भारत में जो बाकी हिरण पाए जाते हैं स्वयं डी पे क्वेश्चन आ चुका लास्ट ईयर दो साल पहले आ चुका है इक्कीस के बी में आ चुका दोस्तों ठीक है इसमें से आपका जो आ गया आई पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों कहाँ गया अपना तिब्बतन आई बैक्स पर क्वेश्चन आ गया दोस्तों तिब्बतन आई बैक्स पर क्वेश्चन आ चुका है तिब्बती इमरग पर क्वेश्चन आ गया आपको याद हो तो लास्ट ईयर हिरण पर क्वेश्चन आया था आपका कस्तूरी मृग पर क्वेश्चन आया था उसका नाम दिया यहाँ पर कस्तूरी मृग आपको इंडियन मस्क नाम दिया कहीं यहाँ पर इसमें इसमें नाम नहीं दिया ठीक है तो इलास्टिक कस्तूरी मृत पे आया था कहाँ कहाँ मिलता है तो आप देखें दो तीन सालों में तीन क्वेश्चन दोस्तों यू पी पूछ चुका है इसी चीज़ के ऊपर हिरण के ऊपर तो चीतल कहाँ पाया जाता है संघई बताया था आपको संगई कहाँ मिलता है दोस्तों आपका मणिपुर के अंदर अपने केबुल लाम जाओ याद करें हम लोग हिमालयन सीरो आ, सीरो हिरण एक प्रकार का दोस्तों ये मिलता है कहाँ पर आपका हिमालय के हाई में मिलता है दोस्तों ये हाई लेट लॉन्ग लेटिट्यूड मिलता है दोस्तों आपको ये बार्किंग डियर भारतीय कागर इंडियन मर्जेंडा नीलगिरी की बात करें दोस्तों नीलगिरी मिलता है कहाँ पर नीलगिरी पहाड़ों पर आपको नीलगिरी पहाड़ जो तर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है दोस्तों नीलगिरी आपका नीलगिरी तहार आपका नीलगा काफ़ी राज्यों में मिलती है दोस्तों हमारे यहाँ चिंकारा बात करें काफ़ी राज्यों में मिल जाएगा आपको तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सब याद करिएगा काम आएगा आपके लिए लास्ट ईयर कस्तूरी कस्तूरिमड़क पर सवाल आ चुका है आ, इसके अलावा सांभर पर क्वेश्चन आ चुका है ब्लैक बक पर क्वेश्चन आ सकता है आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से ओके वी शॉर्ट वी शॉर्ट क्या है दोस्तों जानते हैं वी शॉर्ट वी शॉर्ट क्या है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जी हाँ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है डी आर तैयार हमारे दोस्तों सक्सेसफुल ट्राइल ट्रायल किया इसका वी uh, शॉर्ट दोस्तों वी शॉर्ट क्या जहाँ आप सैनिक आपका अपने हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेके आसमान से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल जेट ड्रोन आदि को नष्ट कर सकता है दोस्तों डीआरडी ओ तैयार कर लिया ऐसी गन्स हमारे यहाँ पर ठीक है यानी कम ऊंचाई वाले जो हवाई जहाज़ हैं बैलिस्टिक मिसाइल है या ड्रोन आदि हैं उनको आप नष्ट कर सकते हैं दोस्तों इसकी सहायता से ठीक है बाकी याद रखिए खुद तो तैयार कर ही रहे हैं हम लोग इसके अलावा हम इसको रशिया से भी मंगाने का प्रयास कर रहे हैं और रशिया में इसका नाम है दोस्तों इगला एस इगला एस जहाँ पर आपका सैनिक इसको हवा हाथ में, में खड़ा हो सकता है और आने वाले ड्रोन के ऊपर फाइटर जेट पर फाइट कर सकता है दोस्तों जी हाँ इगला एस रशियन ऑलरेडी सिस्टम हमारे पास आ चुका है इगला एस दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर चलिए तो याद रखिएगा कांगो टॉपिक है दोस्तों, लिए। आ, बाकी सवा ग्यारह से भूलेगा नहीं दोस्तों चलिए दोस्तों अगर एक बार ब्रीफ किया जाए फटाफट तीस टॉपिक हो गया नहीं हमारे आज के हमारे आज के तीस टॉपिक हो गए ब्लैक बॉक हो गया वेरी शॉर्ट रेंज हो गया दोस्तों टर्म्स पैगाहर टर्म्स हैदराबाद में है दोस्तों पैगाहा टॉम्स हैदराबाद में है इसके संरक्षण के लिए अमेरिका द्वारा सहायता दी जाएगी जी हाँ आगा खां फाउंडेशन इसका संरक्षण करेगा फिर सुन लीजिए आगा खां फाउंडेशन संरक्षण करेगा इसका दोस्तों यहाँ पर और अमेरिका इसको फाइनेंस कर रहा है इस प्रोजेक्ट को पैगा दरगाह को बचाने के लिए पैगा स्थान को बचाने के लिए दोस्तों जी हाँ तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नहीं स्क्रीन में पैगा दरगाह तो यू ने सपोर्ट करने की बात कही यूएस सपोर्ट करेगा किसको को पैगा दर्रा हैदराबाद को बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ठीक है तो वह ढाई लाख डॉलर अमेरिका देगा इस काम के लिए पैगा दर्रा पैगा दर्रा जब सुन लीजिए तो पैगा दरगाह कहाँ पर है दोस्तों ये तो मकबरा शमस अल उम्रा भी कहते हैं इसको मकबरा शमस अल उम्रा भी कहते हैं दोस्तों तो पैगा फैमिली जो थी उनका उनके मकबरे हैं ये और ये निज़ाम के बहुत करीबी हुआ करते हैं दोस्तों जी हाँ तो निज़ाम के बहुत करीबी थे निज़ाम जो रूल किया हैदराबाद के ऊपर उनके, उनके करीबी थे पैगाह जो उनकी मकबरे उनकी उनकी जो दरगाह हैं उनके जो स्थल हैं उनको अमेरिका फंडिंग देगा उनको रिस्टोर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ठीक है चलिए ये होते हैं दोस्तों आज के थर्टी टॉपिक उम्मीद कर रहा हूँ फटाफट समझ गए होंगे आपको यहाँ पर फास्ट रिवीजन ठीक चल रहा है अपना यहाँ पर टारगेट है दोस्तों कम से कम पंद्रह सौ टॉपिक में हम लोग कर पाए दिनों के अंदर कुछ यहाँ पर आ, बाकी याद रखिए इस बार वीकेंड पर काफी कुछ होने वाला है लेकिन अभी लूँगा ब्रेक क्योंकि ब्रेक बाद मिलना है मुझे आपसे ऑलमोस्ट ग्यारह बज गए हैं ग्यारह बज के पंद्रह मिनट पर दोस्तों वेट करेंगे हम लोग आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स में दोस्तों जी हाँ आवास और शहरी हम लोग का मंत्रालय ग्यारह बजे इसी जगह इसी चैनल पर दोस्तों मिलते हैं आप सवा ग्यारह बजे टॉपिक हुआ इंडिया एम वाई आर विद आशीर्वाद से मिलता हूँ दोस्तों तब तक लीजिए आ गया थैंक यू शुक्रिया शुभरात्रि जो जाना चाहते हैं सुने उनके लिए शुभरात्रि भी ठीक है दोस्तों थैंक यू